जय किसान फसल ऋण माफी योजना से किसानों में खुशहाली। दिवाली पर किसान ने की फसल ऋण माफी पत्र की पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने पद की शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का वचन निभाते हुए जय किसान फसल ऋण माफी योजना शुरू की। इसके प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 21 लाख किसानों के फसल ऋण माफ किए गए है। इन किसानों में 2 लाख रूपए तक के कालातीत तथा 50,000 रूपए तक के चालू फसल ऋण धारक शामिल है। खरगोन जिले की बड़वा विधानसभा के गांव थरवर के किसान श्री मनोहर ठाकुर का लंबे समय से चला आ रहा कालातीत ऋण 1,83,503 रुपए योजना के तहत माफ किया गया। लाभान्वित किसान श्री ठाकुर ने इस दिवाली पर फसल ऋण माफी पत्र की भी पूजन की और मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के फोटो को तिलक लगाकर आभार व्यक्त किया। किसान श्री ठाकुर कहते हैं कि इस योजना से फायदा लेने के बाद वे चिंता मुक्त होकर खेती कर रहे हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर किसानों के हित में काम कर रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ऋण माफी कर आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का ध्येय है। सनावत से संवाददाता प्रेम कुमार, सत्य न्यूज। क्या आपने इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के साथ में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की भी पूजा की, इसमें आप क्या कहोगे? हम इस बार किसानों के लिए अच्छी दीपावली रही माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने, और हमारे कृषि मंत्री श्री सचिन यादव जी की वजह से हम काफ़ी अच्छी दीपावली मनाई हमने। उन्होंने हमारा कर्जा माफ किया और के समय ही मुख्यमंत्री ने इन्होंने घोषणा कही दी थी कि माफ किया कि जाएगा 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 1,85,000 खुद मेरे हुए हैं और मेरे घर मम्मी के भी 1,21,000 रुपए कुछ और कुछ रुपए ऐसे माफ हुए हैं। किसानों की वजह से या कमलनाथ की सरकार की वजह से हम काफ़ी अच्छी दीपावली इस बार मनाई है। और सचिन जी यादव हमारे जो कृषि मंत्री है, इस बार हर दीपावली की वजह से दीपावली पे हर किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। और कृषि सचिन जी यादव, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं। इसमें एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों को लेकर के 50,000 रुपए का कर्ज माफ करने की बात कही थी, उसमें आप लोगों का कोई कर्ज माफ हुआ था? नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। किसी से पूछ लो गांव में कहीं पे भी नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। कभी 50,000 का घोषणा जरूर कर देती बीजेपी सरकार, लेकिन कभी माफ नहीं हुआ आज तक। बाद में बोलते जुमला है करके ऐसे हो जाता, कहीं नहीं माफ करती है। और किसानों की तो कांग्रेसी सरकार अच्छी है, बीजेपी ने तो लाठीचार्ज करवाया, मंदसौर में गोली कांड करवाया, तो ये किसानों की सरकार बीजेपी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की थी 15-15 लाख देने की, हर एक खाते में डालेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं मिला, सब जुमला निकला वो तो। और 2,000 रुपए दे रहे, किसी को दे रहे, कभी मिलते ही नहीं किसी को, अभी भी बहुत सारे बाकी है उनमें। अच्छा, माननीय कमलनाथ जी ने जो 2-2 लाख रुपए कर्ज माफ की बात की थी, उसमें आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया, आपका कर्ज माफ हो गया है? कर्जा माफ हो गया और डबल से अकाउंट में आ भी गया। ऐसे कितने किसान हैं आपके गांव में जिनका कर्ज माफ हुआ होगा? 60-70 जन के कर्ज माफ हुए हैं और सभी हमारे साथ में खड़े हैं, बहुत सारे हमारे सबके हो गए और वापस मिले। आपका भी कर्ज माफ हुआ है? हाँ, हमारा माफ हो गया। कितना हो गया है? 1,32,900। और इसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी को तो हमारा तो फायदा कर, हमको तो धन्यवाद चाहिए उनका तो। और माननीय कृषि मंत्री सचिन यादव, कृषि मंत्री सचिन यादव जी की भी। और गांव में ऐसे कितने लोगों के कर्जे माफ हुए हैं? होगा 50-60-65 का। आपका नाम? सुखलाल। निवासी थरवर। हमारे वचन के अनुसार जो किसानों का ऋण माफ करने का एक संकल्प हमारी सरकार ने लिया था, और जिस प्रकार से पिछली पूर्व की सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो एक कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा था, उस कलंक को धोने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और उसी दिशा में जो है हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में
विपरीत हालात में, विपरीत वातावरण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रदेश की कमान संभाली तो एक खाली खजाना हमारे सामने था, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए हमारी सरकार ने अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ़ करने का काम हमारी सरकार ने करा है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारी सरकार ने माफ़ करने का काम किया है। और ये जो तस्वीर आज हमारे किसान की आई है, जहाँ पर जो खरगोन जिले का हमारे किसान है, बड़वा विधानसभा से आता है, थरवर गांव का है, उस किसान साथी ने, चूँकि आज पूरे देश और प्रदेश में दीपावली का जो है पर्व मनाया जा रहा है, और ऐसे समय में उस किसान ने जो ऋण माफ़ी का जो प्रमाण पत्र उस पर उसको मिला है, जहाँ पर उसका लगभग 1,83,000 रुपये का जो है हमारी सरकार ने ऋण माफ़ करने का काम किया है, और जिस प्रकार से जो वो किसान साथी जो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो पर जो है तिलक लगा रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से पूर्व की जो सरकार है, उस पूर्व की सरकार में जो उनकी नीतियाँ थी किसान विरोधी नीतियों के कारण जो है किसान की आवाज़ दबी हुई थी, किसान एक डर के माहौल में जो जी रहा था, और किस प्रकार से जो है कर्ज के दलदल में वो फंसा हुआ था। आज उसकी ये जो भावना है, उसकी जो है कहीं ना कहीं उसकी उसकी खुशी जो है इस तस्वीर के माध्यम से जो है उसकी खुशी जो है दिखाई देती है, और ये कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से ऋण माफ़ी का लाभ जो है हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को।